बिलारी विधायक और हमारे मेहमान खुसूसी फहीम अहमद साहब का से मैं गुजारिश करूं कि वो आए और आपसे कुछ गुफ्तगू करें। मैं एक मतला एक शेर अपनी एक गजल का पढ़ना चाहता हूं, मुझे याद आ गया, और मतला खास तौर से ये अब्दुल्ला भाई की नजर है। आप सब जानते हैं कैसे हालात हैं सियासत में उनके, तो मतला मैं उनकी नजर करता हूं और शेर मैंने अपने लिए कहा। मतला यूं कहा कि इतने सारे जोर लगाकर मेरा क्या कर पाते हैं, वाह, इतने सारे जोर लगाकर मेरा क्या कर पाते हैं, मेरे मुखालिफ साजिश वाली खिचड़ी रोज पकाते हैं, वाह, इतने सारे जोर लगाकर मेरा क्या कर पाते हैं, मेरे मुखालिफ साजिश वाली खिचड़ी रोज पकाते हैं। और शेर ये मैंने अर्ज किया था कि मैंने अपने लिए कहा कि 100% हम अच्छे हैं, अब ये तो सच्ची बात नहीं, क्या कहने, 100% हम अच्छे हैं अब ये तो सच्ची बात नहीं, लेकिन इतने बुरे नहीं है जितना लोग बताते हैं। वाह वाह। मंच पर तशरीफ फरमा सभी काबिले एहतराम शोरा हजरात, आपके हर दिल अजीज खालिद साहब, रियासत अली साहब, हुसैन साहब, पट्टी कलां घोशीपुरा के सभी नौजवान साथी बुजुर्गों, आपके नौजवान विधायक हमारे भाई अब्दुल आजम साहब और बहुत से मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज का ये मुशायरा हम लोग पुलवामा के शहीदों के नाम ये मुशायरा है, और जिस हालात में आज देश है वो आप लोगों ने टीवी के माध्यम से और हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हमारे देश पर हमला हुआ और उसमें हमारे 42-43 जवान शहीद हुए। उनकी याद में हम लोगों ने आज ये मुशायरा रखा है। गम का माहौल है, पूरा देश गमगीन है, और उसके बाद जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। किस तरीके से जिनके घर मौतें हुई हैं, जो सरहद की हिफाजत करने वाले हमारे नौजवान, हमारे सिपाही अपने घर के लिए रवानगी कर रहे थे, उनको ये नहीं मालूम था कि अब हमारी ज़िंदगी में अब कोई सवेरा नहीं आएगा। अब्दुल्ला आजम साहब और हम असेंबली में थे, उसी दिन हम लोगों को ये खबर मिली, और सबसे पहले आपके विधायक अब्दुल्ला आजम साहब ने अपनी बात को विधानसभा में रखा और विधानसभा अध्यक्ष से ये कहा कि आज की असेंबली को नहीं चलने दिया जाए, आज की असेंबली उनके लिए खराज अकीदत और श्रद्धांजलि हो और हम कोई प्रस्ताव और कोई भी आज डिबेट नहीं करेंगे। तो 3 दिन के लिए हम लोगों ने असेंबली में शोक का प्रस्ताव रखा और उसको विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर किया। तो हम लोग उस गम को महसूस करें, शहादत को महसूस करें, खुशियां आए जिंदगी में, लेकिन गम का भी हम लोग जो है अपनी जिंदगी में ये महसूस करें कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी जिनके लोग इस दुनिया से चले गए। तो हम लोग उनको खराज अकीदत पेश करें, श्रद्धांजलि दें, और मैं बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं कहूँगा, बस यही बात कहकर अपनी बात को मुकम्मल करूँगा कि दुआ करें कि हमारा देश कभी झुकने ना पाए। जो भी साजिशें हमारे देश के खिलाफ हो रही हैं वो साजिशें करने वाला जेर हो जाए, परवरदिगार का करम रहे, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये बात हमेशा हमेशा हम लोग दिल में बसा कर रखें और हमेशा ये महसूस करें कि हम लोग ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं कि जिससे हम लोगों को अपने देश के लिए शर्मिंदगी महसूस हो। और आज के हालात में, हर हालत में हम लोग परवरदिगार से ये दुआ करें कि ये मुसीबत, ये परेशानी, ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये दिक्कत जो करने के लिए कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें अकल सलीम दे और उन्हें जेर कर दे, और हमारा देश इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में हमेशा एक बाल बुलंद रहे और हमारा भी एक बाल बुलंद रहे। फिर से दोबारा से पुलवामा के शहीद जो शहीद हुए हैं उनके लिए खराज अकीदत पेश करते हुए, और जो सरदों पर शहीद हुए हैं उन सभी शहीदों को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और हम लोग
अपने देश के लिए दुआ करें कि हमारे देश का मुस्तकबिल और हमारा देश हमेशा खुशहाल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।